नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 8.4 हम शुरू करने जा रहे हैं। परंतु यह शुरू करने से पहले हम सीखेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं। बच्चों, सर्वसमिकाएं कैसी होती हैं? जैसे आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, a प्लस बी होल स्क्वेयर बराबर ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, इसे हम कहते हैं सर्वसमिका, है ना बच्चों? तो सर्वसमिका क्या है बच्चों? एक समीकरण को सर्वसमिका तब कहा जाता है जब यह संबंधित चरों के सभी मानों के लिए सत्य हो। इसमें a और b का कोई भी मान आ जाए तो ये जो है सत्य होगा दोनों तरफ, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर आएगी, a और b का कोई भी मान हम ले लें। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से अब हम सीखेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं। तो बच्चों, तीन त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं हैं जो हम इस अध्याय में पढ़ने जा रहे हैं, इन्हें आप अच्छे से स्मरण कीजिएगा। पहली सर्वसमिका है साइन स्क्वायर ए। यदि ए न्यून कोण है 90 डिग्री के सामने वाला, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। ये पहली सर्वसमिका है। क्या है पहली सर्वसमिका? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अगर न्यून कोण देखिए, जैसे ये है समकोण त्रिभुज, इसमें हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, और ये जो है कोण है ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला जो न्यून कोण है उसे हमने ए लिया है। यदि यह कोण थीटा होता तो हम कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि यहां पॉइंट पी होता तो हम कहते हैं साइन स्क्वायर पी प्लस कॉस स्क्वायर पी बराबर 1, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, जो दूसरी सर्वसमिका है बच्चों वह है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सीकेंट स्क्वायर ए। ये दूसरी सर्वसमिका है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सीकेंट स्क्वायर ए। इसी प्रकार से बच्चों तीसरी सर्वसमिका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसीकेंट स्क्वायर ए के। ठीक है बच्चों, तो ये तीन सर्वसमिकाएं हैं जो प्रश्नावली 8.4 में प्रयोग होंगी। ठीक है, पहली है, मेरे साथ साथ आप भी बोलिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। दूसरी सर्वसमिका है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सीकेंट स्क्वायर ए। और देखिए, दूसरी और तीसरी आपस में बिल्कुल मिलती है, 1 प्लस प्लस, टेन का उल्टा होता है कॉट, और यह सीकेंट का उल्टा कोसीकेंट नहीं होता, लेकिन एक जैसा है ना, सीकेंट कोसीकेंट। तो 1 तीसरी सर्वसमिका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसीकेंट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, तो इन तीन सर्वसमिकाओं को आपने अपनी नोटबुक में लिखना भी है और इन्हें अच्छे से याद भी रखना है। इसके बाद हम अगली प्रश्नावली के 8.4 के सभी प्रश्न इन तीन सर्वसमिकाओं, त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाओं के आधार पर हल करेंगे। आशा करता हूं इन तीनों को आप अच्छे से याद रख लोगे। मुझे तो यह स्मरण है, देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सीकेंट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसीकेंट स्क्वायर ए। तो ये तीन सर्वसमिकाएं हैं, इन्हें नोटबुक में लिखिए और इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। इस प्रश्नावली के प्रश्नों को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर अन्य वीडियोस को देखकर प्रश्नों को समझ सकते हैं और उन्हें अच्छे से अपनी नोटबुक्स में लिख भी सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।